जम्मू कश्मीर कुदरती आफात का शिकार रहा है। अपने मुनफरिद ज्योग्राफी हालात की वजह से इस खत्ते को कई शदीद आफात का सामना करना पड़ा है। रामबन, ढोडा, भदरवा, किश्तवाड़, पाडर, पुंज, रजौरी और कुजवा जैसे इजलाक को जलजलों के लिए इंतहाई ख़तरनाक माने गए हैं। इसके साथ साथ रियासत के दिगर इलाके भी आफात की नुक्ते नज़र से कम ख़तरनाक नहीं है। बर्फानी पहाड़ियां और ऊंची पहाड़ मवासिलात और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में एक मुश्किल चैलेंज बन जाते हैं। ऐसे में छोटे हादसे से भी शदीद नुकसान होने का खदशा रहता है। इन्हीं बातों को समझते हुए जलजला, सैलाब, आग, खुश्कसाली, बर्फानी और लैंड स्लाइडिंग जैसे खतरात को रोकने और जान और माल के साथ साथ सरकारी और निजी नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और पंचायती राज की वजारत ने पंचायती सतह पर आफात पर मशवरा किया। आइए आसान जबान में समझते हैं कि हालात का तजिया आखिर है क्या। हालात के तजिए के तहत किसी खास सूरत हाल से वाबस्ता सभी मुतालिका वजूहात की निशानदेही और जांच की जाती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत हालात के तजिए की मदद से हम किसी खास इलाके में मुमकिन आफात और उनकी वजूहात का पता लगाते हैं और ख़तरात से बचने के लिए मनसूबा बंदी करते हैं। इसकी मदद से ही ये पता लगाया जा सकता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान किसी खास इलाके में ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, किसी खास कार्रवाई के मुमकिन नतायज को पेश करने के तरीके के तौर पर भी ये मददगार है। उसके दर्ज ज़ेल फ़ायदे हैं। हालात के तजिए के फ़वाद: खतरात के असरात को कम करना। हालात का तजिया मुतवाजिल इक़दामात का जायज़ा ली जाती है जिनका बुनियादी मकसद मुमकिन खतरात के असरात को कम करना होता है। वक्त की बचत: उसकी मदद से वक्त की बचत होती है ताकि हंगामी सूरत हाल में मकासिद को आसानी से हासिल किया जा सकता है। कम लागत: इसकी मदद से राहत और बचाव के अखराजात को कम किया जा सकता है और ये मालूम किया जा सकता है कि मुमकिन तबाही के असरात को कम करने के लिए किन वसाइल की ज़रूरत है। तकनीकी सलाहियतों को फ़रोग देना: हालात के तजिए की मदद से पंचायत के नुमाइंदे आज़ादाना तौर पर तख्लीकी तौर पर मुमकिन आफात से बचने के अपने तौर तरीके तलाश कर सकते हैं। सबूत जमा करना: हालात के तजिए की मदद से पेश की मालूमात का इस्तेमाल करते हुए शवाहिद इकट्ठे किए जा सकते हैं। नई हकायक की दरियाफ्त: इसकी मदद से कई किस्म के हकायक दरियाफ्त किए जा सकते हैं जो तहकीक व तहकीक को फ़रोग देने में मददगार साबित होते हैं। हालात के तजिए की मदद से डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अफादियत को बेहतर बनाने के लिए नए सोचने की निज़ाम, तरीक़े और टेक्निक को अपनाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को चौकसी और कबल अज वक्त वार्निंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, इसके बाद पोजिशनी तजिया, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, रिमोट सेंसिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल हालात का तजिया और नमूने की तैयारी, आफात और पेचीदा इंसानी हालात में पसमानदा ख़ानदानों को मिलाने, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स, सुनामियों में सैलाब के मॉडलिंग के लिए बाथ मेट्री, इब्तदाई वार्निंग सिस्टम, डोपलर रडार वगैरह पर काम किया जा सकता है।